पढ़ाई तो खासी होनी चाहिए ना। मेरा भी एक्सपीरियंस यही है कि जब तक टीचर फोर्सफुली पढ़ा पढ़वाता नहीं है ना, तो ना माइंड पता नहीं कहाँ भागता रहता है। ये आपका वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। दिन में बहुत डिस्टरबेंस एक तो होता है, एनर्जी हमारी बहुत कम होती है दिन में, फोकस नहीं कर पाते हैं। मैंने भी देखा, या तो मैं नाइट में फोकस करता हूँ 10-11 बजे के बाद, या तो मॉर्निंग में 4 या 5 बजे, फिर 8 बजे तक मैं फोकस करके पढ़ पाता हूँ। अदरवाइज पूरे दिन अगर मैं कोशिश भी कर लूँ ना, एक अल्फाज मेरे दिमाग में नहीं जाएगा। पहला तो क्वेश्चन है कि व्हाई प्लांट्स डू द फोटोसिंथेसिस। फूड है ना, व्हाट इज द रीजन, रीजन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज दे आर ऑटोट्रॉफ, राइट, एंड दे हैव टू मेक फूड फॉर देमसेल्फ, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज, प्लांट आर आल्सो कॉल्ड एज फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, करेक्ट, दे आर कॉल्ड एज अ फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। फॉर एग्जाम्पल, दे कैन आस्क यू अबाउट द प्रोटिस्ट, है ना, CSIR people, they cannot ask about the bacteria because you might be knowing, or algae or mosses and all. So all they are photosynthetic autotroph, what you can say, right? So now the next question is, मैंने पूछा वो स्टोरी बता देता हूँ आपको, डोंट माइंड। एक बच्चे से मैंने पूछा कि सपोज आपको मैंने कपड़े पहना दिए, उसमें सारे क्लोरोप्लास्ट ग्रीन लीव्स जो है भर दिए आपके शर्ट में, तो क्या फोटोसिंथेसिस होगी? द नो इंटरेस्टिंग डिफिकल्ट फैक्ट इज नो। व्हाई? व्हेन दे आर इंटैक्ट विद द प्लांट देन फोटोसिंथेसिस इज ऑन, एंड इफ यू आर सेपरेटिंग दैट लीव एंड इमीडिएटली द फोटोसिंथेसिस स्टॉप्स, इवन द लाइट इज देयर, CO2 इज देयर, स्टोमेटा इज देयर, क्लोरोप्लास्ट इज देयर, एवरीथिंग इज देयर, यू आर देयर, बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू डू द फोटोसिंथेटिक पार्ट, व्हाई, व्हाट इज द रीजन? द रीजन माइट बी, क्या रीजन हो सकता है, एनी गेस? ट्राई करो, फोटोसिंथेसिस तो आपका पढ़ रहे, 9th पढ़ रहे। व्हाट दिस इज सर प्लीज रिपीट वन आई एम आस्किंग कि सपोज, है ना, यू आर जस्ट सेपरेटिंग द ठीक लीव्स इन एन है आइसोलेटेड इन्वायरमेंट, ठीक ओके है, तो वाई इन लोगों ने क्या पेड़ पे चढ़ के फोटोसिंथेसिस खोजा था डिस्कवरर ने? आप बताओ, क्या पेड़ पे चढ़ा था इन लोगों ने, उसको क्लोरोप्लास्ट लिया होगा, कुछ हरे क्लोर देखे होंगे लीव्स, है ना, कुछ व्हाइट लीव्स देखे होंगे, फिर इन लोगों ने आइसोलेट किया होगा, फिर उसमें कुछ देखा होगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा वगैरह, है ना, फिर एलोइंग ऑफ ये सब लीव्स भी तो देखा हो होगा, देखा होगा सेम यस लीव्स से सर कभी हरी हो जा रही है, कभी व्हाइट हो जा रही है, कभी ग्रीन हो जा रही है ना, तो यस फोटोसिंथेसिस सर कैसे मेजर करोगे? चलो क्लोरोप्लास्ट मान लो, आपने सब लीव्स रख दिया, CO2 रख दिया, है ना, सनलाइट भी दे दी या ट्यूबलाइट रख दी, तो सर इफ यू वांट टू मेजर कि फोटोसिंथेसिस हो नहीं रही है, हो रही है कि नहीं हो रही, तो व्हाट यू विल डू, हाउ यू विल से कि फोटोसिंथेसिस हो रही है? क्लोरोफिल सर पिगमेंट पिगमेंट तो हाई है, वो थोड़ी ना उसका कलर 24 घंटे में चेंज हो जाएगा, लेकिन 24 घंटे में अगर फोटोसिंथेसिस मेजर करना हो। सर हाँ जी प्लीज। वो टोमेटो ओपन क्लोज होगा उससे कुछ पता चलेगा माइट भी, बट और क्या हो सकता है? चलो ये हमने गेस के लिए आपको दे दिया कि दिस इज द रिक्वायरमेंट्स, है ना, यस लेकिन सर आपको लेबोरेटरी में मेजर करना है फोटोसिंथेसिस को। 24 आवर्स तक लीव रखा आपने, और अब आपको मेजर करना है कि रियली फोटोसिंथेसिस हो रही है, आपने वाटर भी सप्लाई कर दिया और CO2 सप्लाई सर कर तो दिया, ऑक्सीजन सनलाइट दे दिया। पता चलेगा सर हाँ ऑक्सीजन आ रहा है कि नहीं इससे पता हाँ चलेगा एक तो कि बबल्स, ऑक्सीजन है ऑक्सीजन के या बबल्स अगर आपने क्लोज्ड चैम्बर में रखा है, तो यू कैन मेजर द
ऑक्सीजन बबल्स है ना, एक तो ये हो गया। हाँ यस, अगर सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड कम हो रहा है तो वो भी मेजर कर सकते हैं। सेकंड क्या करोगे? सेकंड क्या मेजर करोगे? अच्छा क्वेश्चन है ना, पूरा आपका फोटोसिंथेसिस का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा है। थिंक 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 मेरे बच्चों, तभी साइंटिस्ट बन पाओगे। अगर कार्बन डाइऑक्साइड कम हो रहा हो तो, कार्बन डाइऑक्साइड हमने दिया है ना सफिशियंट अमाउंट में, हाँ तो वी हैव मतलब जो प्रोवाइडेड डिस्क्लोज्ड ऑल द एनवायरनमेंट में इनपुट्स। कार्बन डाइऑक्साइड अगर हाँ, कंज्यूम हो रहा होगा रिड्यूस तो उसमें, कम हो रहा होगा ना, एक तो हाँ ये कर सकते हो कि रिड्यूस जैसे अगर हो रहा ऑक्सीजन है, मेजर कर सकते वैसे कार्बन डाइऑक्साइड इसका कार्बन डाइऑक्साइड को मेजर कर गैस है सकते इसका। हो। हाँ कैसे मेजर करोगे? चलो ये बताओ, ऑक्सीजन का तो बबल आएगा, मेजर कर लोगे? कार्बन डाइऑक्साइड का तो बबल आएगा नहीं, वो डिजॉल्व हो जाता है वाटर में, उसको कैसे मेजर करोगे? अपने ही क्वेश्चन में वही फंस गए। वाइवा तो हो वाइवा ही तो दिमाग खुलता है, लगता है पढ़े कुछ है ही नहीं है, या किताब में नहीं लिखा, या तो हमने कुछ पढ़ा नहीं है। अरे भाई, सामने एक बड़ी चीज छूट रही है, वो क्या है देखो ना, पिक्चर, वाटर। वाटर। वाटर तो दिया ही है हमने, सप्लाई किया है, बन जाएगा, थोड़ा 2 ml बढ़ जाएगा तो क्या हुआ? बढ़ जाते दो, हम पानी थोड़ी जाएंगे मेजर सनलाइट करने, सनलाइट दिया ही है। सनलाइट थोड़ी घट जाएगी। विपुल, इंटेलिजेंट गाय, टेल मी व्हाट यू विल डू नेक्स्ट। मतलब एग्जैक्ट एस्टिमेशन करना है हमें। वाटर ऑक्सीजन छोड़ दो, ये तो गैस हो गया ना, चलो भाई ऑक्सीजन निकलने लगी तो हमें लग गया फोटोसिंथेसिस ऑन हो गई, ये तो क्वालिटेटिव एस्टिमेशन हो गया। क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करना है जिसमें एग्जैक्टली क्वांटिटी बता सको आप। चलो अब ये बताओ, मैं एक दूसरा हिंट देता हूँ, मैं एक अभी क्वेश्चन लिखूंगा नीचे आपके डायग्राम में, पीपीटी में। ये क्वेश्चन देख लिया आपने, देखा हुआ है क्वेश्चन? देखा हुआ ना, इसमें एक चीज और ऐड कर लो, 8 क्वांटा ऑफ लाइट ये लगती है, और व्हाट? ग्लूकोज वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। सीधे मेजर नहीं करोगे? कितने तुम लोग इंटेलिजेंट हो। अगर आपका फोटोसिंथेसिस इज ऑन, तो शुगर ही तो इंडिकेटर है उसका। अगर शुगर नहीं बना तो बेकार है, फिर कोई फोटोसिंथेसिस नहीं है। एंड यू कैन क्वांटिफाई दिस फोटोसिंथेटिक प्रोसेस, ठीक है? अब चलो यहीं पे बताओ, इफ द लीव्स इज येलो नॉट ग्रीन, देन एवरीथिंग, एवरी कंडीशन इज सेम, देन व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द ग्लूकोज? येलो लीव्स है, सर इट विल बी डिफिशियंसी ऑफ ग्लूकोज, डिफिशियंसी डिफिशियंसी ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज विल नॉट फॉर्म, और ग्लूकोज विल बी पार्शियली फॉर्म, व्हाट यू विल से इन बिटवीन बोथ द टर्म? देयर विल बी पार्शियल ग्लूकोज फॉर्मेशन, बिकॉज व्हेन फोटोसिंथेसिस विल स्टॉप ओनली व्हेन देर इज नो क्लोरोप्लास्ट एट ऑल। क्लोरोप्लास्ट इज देयर राइट, बट बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन डेफिशिएंसी और एनीथिंग एल्स द कलर हैज बीन चेंज। तो कलर इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोटोसिंथेटिक प्रोसेस राइट, दे आर नॉट गोइंग टू हिंडर, रदर देन फोटोसिंथेटिक ऑपरेशन नीड्स फोटोसिंथेटिक एपरेटस। व्हाट इज फोटोसिंथेटिक एपरेटस, डू यू नो अबाउट? बोर तो नहीं हो रहे ना? बोर होना तो बता देना। नहीं सर, फोटोसिंथेटिक एपरेटस ही है, तो लीफ से में ही तो होगा, अगर मैं समझाऊं। चलो मैं अब चला जाता हूं अंदर ब्लैक बोर्ड पे, क्योंकि आप लोगों ने बहुत तत्व। अब ये सब ये क्या है? लीफ्स है, मेरी लीफ्स बहुत अच्छी नहीं है,
ये आपके लिप्स है, ठीक है। अब इसके अंदर आप क्या कह रहे हो, दिस इज अ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को बड़ा इमेज ले लो, बड़ा इमेज, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा? अच्छा चलो एक क्वेश्चन था, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन भी देता हूं, थाइलकोइड, ग्रेना, मैट्रिक्स, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के फेवर में कितने लोग हैं? हाउ मेनी आर इन फेवर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, टेल मी। सर ग्रेना। यस ग्रेना, राइट ग्रेना। व्हाई ग्रेना? Because it has light absorbing. What is the difference between grana and thylakoid? So thylakoids are the stacks of that grana. Grana, yes. That I want to listen. This is a kind of grana. Single part is grana, and this complete apparatus is called as a thylakoid. Thylakoids. Ha, thylakoids, right? So if anyone is asking what is the unit of photosynthesis, so it's a grana, not thylakoid. Okay. And then now the next question is there. Exactly how to define the photosynthesis? Define photosynthesis in one sentence. What you will say? So it's a kind of conversion of light energy into chemical energy, right? Yes. And the next question is there, if there is a light on this apparatus called the thylakoid apparatus, then what is exactly happening? Wo kya raha hai? What is produced, मतलब what is the ultimate product? अगर light पड़ रही है thylakoid पे, तो you have supplied the CO2, you have supplied the water, then exactly what is happening? What role है, what is the role of water? अब हम और भी focused question कर देते हैं, what is the role of water and light? The water, water oxygen देगा sir. Water is splitting, right? Yes, sir. Na, water will split into the oxygen and proton. Yes. Plus electron. Okay. Exactly, the work of light is accumulation of electron. Electron ko accumulate kar raha hai. Theek hai na? And electron is accumulated in the form of electron or proton is accumulated in the form of NADPH plus. Abhi samajh mein aaya? This is called as the light reaction. So that's why there are two phases. One in the presence of light, this thylakoid apparatus performing which reaction? Light reaction. And in the first step, what is happening? There is a split of first step. Split of water. Okay? Got the point? So, water is splitting in the first step, and that is happening in the light reaction. Why you need the light? To split the water. To split the water and to generate the lots of electron and proton. Okay.
and this NADPH is produced. Now, how much time is required for photosynthesis to complete? Chalo, complete karne mein time is 6 hours, B 12 hours, C 24 hours, D both, none kar lo. 6 hours. How much time? Why 6 hours? This is wrong. Why 6 hours? Six hours ka hoga. Why not 12 hours? Why not 24 hours? Second answer, 12. Your voice is not clear, Rita. Yes, sir. 12. क्या बोलोगे बच्चों? लक्ष्मी बिल्किस, व्हाट यू विल से? आई थिंक नन ऑफ द अबव. मेरे को तो लगता है बहुत कम टाइम में एक साइकिल हो जाना चाहिए. ऐसे साइंटिस्ट बनोगे तो कितना पेटेंट कर पाओगे? जो सामान्य पत्ती रोज देखता है और इसको ये नहीं पता है कि कितने घंटे में फोटोसिंथेसिस होती है, बताओ. अरे यार, दो रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन. डार्क रिएक्शन में के लिए तो 24 घंटे चाहिए ना पूरा. 12 घंटे लाइट रिएक्शन होगी, 12 घंटे डार्क रिएक्शन होगी, है ना. दो रिएक्शन होती है कि नहीं फोटोसिंथेसिस में? लाइट होती है तो वाटर स्प्लिट होता है, ठीक है. और फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सारा होता है. फिर डार्क जब रिएक्शन होती है तो क्या होता है? डार्क फेज में लाइट तो चली जाती है, तो यहाँ पे NADPH accumulated है. NADPH इलेक्ट्रॉन को इसने सारा ले लिया है NADPH ने, ठीक है. अब ये क्या कर रहा है? CO2 fixation is the second step. Second step is what? Dark reaction बोलते हैं ना, या CO2 fixation stage. CO2 is converted into the sugar. हम वन स्टेप में लिखते हैं ना बेटा कि 8 पॉइंट ऑफ लाइट इज रिक्वायर्ड फॉर शुगर फॉर्मेशन यूजिंग H2CO2. CO2 इज बेसिकली इन्वॉल्व इन द शुगर फॉर्मेशन ओनली इन द डार्क फेज. दिस इज क्लियर? कोई डाउट हो तो पूछ लो. अभी बहुत डेप्थ में जाने वाला हूं, अभी तो आपको बेसिक पढ़ा रहा हूं. हाँ जी, इतना क्लियर है? तो क्लोरोप्लास्ट अब्सॉर्ब लाइट एनर्जी एंड कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है. ट्रांसमिटेड लाइट की वजह से वी कैन सी द कलर ना, ठीक है. दिस इज द रिएक्शन, शॉर्ट रिएक्शन, 6CO2 6H2 लाइट एनर्जी. बट ये नाइन्थ क्लास का है डेफिनेशन, राइट, ठीक है. Now the more scientific is what happens in the light reaction. The solar energy is converted into chemical energy. So how, which chemical energy? ATP and NADPH. ATP and NADPH. And that is used to fix the CO2 during the dark reaction. This is called the dark reaction or called as Kelvin cycle. In which CO2 is fixed with the help of ATP and NADPH into the sugar formation. Clear? Kelvin cycle. ये पूछा हुआ है CSR में कई बार कि sugar form from water splitting or CO2. Kelvin cycle makes sugar from CO2. CO2. ATP generated by the light reaction provides the energy for
sugar synthesis. Exactly, this is the truth. Okay, and the NADP is produced by the light reaction, provide the electron for the reduction of CO2. ये बड़ा important है कि how the carbon dioxide is reduced. Carbon dioxide is reduced by the electron produced by NADPH produces light reaction provide the electron. NADPH से वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा and they are reducing the carbon dioxide to glucose. ठीक है बेटा, any doubt? तो आपको डेप्थ में समझ में आ गई. मैंने पूरा स्प्लिट कर दिया फोटोसिंथेसिस से. जो तुम जानते थे वो नहीं है, जो तुम नहीं जानते थे वो फोटोसिंथेसिस है. यस सर, हम तो एक नॉर्मल सा वो जानते थे फोटोसिंथेसिस एक मतलब के ना 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 लाइट हिट रिएक्शन सेंटर ऑफ क्लोरोफिल. आप देखो रिएक्शन सेंटर की हम बात कर रहे हैं जहां पे लाइट रिएक्शन होती है. ये इंपॉर्टेंट डिस्कवरी है, राइट? अगर ये बच्चा जान जाए तो you can invent, you can patent, you can go through anything. अब reaction center क्या होता है? What is the reaction center? ये बड़ा interesting. यहाँ पे reaction होती है. ऐसे समझो कि जैसे आपके घर में electricity आ रही है. Yes sir. ये बिल्किस का घर है जम्मू में, जहाँ भट्ट सर की कार जाने वाली है कुछ दिन बाद. ये भट्ट सर पहुंच गए. तो यहाँ पे जो वायरिंग खंभे के थ्रू जा रही है, राइट? टू फेज की वायरिंग जा रही है. बट बिफोर दैट यहाँ पे ये कहां से आ रही है, ये लाइट सप्लाई कहां से हो रही है घर को? सो क्या बोलते हैं, पावर हाउस. ये तो बोलते हो? यस सर. पावर हाउस इज द एग्जैक्टली रिएक्शन सेंटर. ठीक है ना? अब ये ऐसे होता है. अरे सर, आपको ये कार्टून दिखाता हूं. तो क्लोरोफिल वाइब्रेट्स एंड कॉजेज वाटर. अब ये वाटर टूटता कैसे, ये भी बड़ा एक अच्छा इंटरेस्टिंग पार्ट है कि हाउ द इट क्वांटा लाइट अगर नहीं मिलेगी तो कोई भी वाटर स्प्लिट नहीं होगा. लेकिन वाटर कैसे स्प्लिट हो जाता है, ओनली ऑफ वाइब्रेशन ऑफ क्लोरोफिल. ये पार्ट नया है आपके लिए कि क्लोरोफिल इतना तेज वाइब्रेट करता है कि दिस वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस एनर्जी एंड द लाइट, है ना? तो लाइट की वजह से वाइब्रेशन एंड वाइब्रेशन की वजह से एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज कॉजिंग स्प्रेडिंग ऑफ वाटर टू रिलीज द ऑक्सीजन इनटू एयर. तो हाइड्रोजन रिमेन इन द क्लोरोप्लास्ट, वो एनएडीपीएच के साथ हो जाता है ना. एनएडीपीएच इज बाउंड टू कैरी द इलेक्ट्रॉन्स. अभी समझ आएगी बात? ठीक है. तो ऑक्सीजन, जब वाटर स्प्लिट होगा देन ऑक्सीजन विल रिलीज, बट इट इज रिलीजिंग टू मोर थिंग्स, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन का क्या होगा, दे आर बाउंड बाय द केमिकल एनएडीपी प्लस एच, सॉरी एनएडीपी प्लस एच प्लस. फाइनली दिस इज एनएडीपीएच एच. अब ये देखो कार्टून, रिएक्शन सेंटर की बात कर रहे थे. ये वाटर स्प्लिटिंग फोटोसिस्टम वन है, टू टाइप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना? तो ये वाइब्रेशन से इतनी एनर्जी चली गई क्लोरोप्लास्ट के वाइब्रेशन से. अब ये वाटर स्प्लिट हो गया, फोटॉन तो आ ही रहा है. तो वाटर स्प्लिट हुआ तो दे आर रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन. वो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ गिर रहा है, जैसे आपका टर्बाइन चलता है ना, टर्बाइन. यस सर. तो टर्बाइन में से वाटर गिर रही है, तो यहाँ पे मोटर है, तो मोटर घूम रही है, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड. डाउनफॉल, डाउनफॉल का जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. इसी तरह से ये वाटर की तरह इलेक्ट्रॉन फॉल हो रही है, इलेक्ट्रॉन फॉल हो रही है, तो इसकी वजह से ये स्प्लिटिंग हो रही है एंड द इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड बाय द एनएडीपी. जो भी प्रोड्यूस हुआ वेस्ट नहीं जाएगा ना, यहाँ बंदा खड़ा था, तो इलेक्ट्रॉन जो भी गिर रहा था उसको इसने कंटेनर में कैच कर लिया. वो कंटेनर क्या है, कंटेनर कंटेनिंग एनएडीपीएच. ठीक है ना? तो एनएडीपी था उसके कंटेनर में एंड दैट इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड टू इलेक्ट्रॉन मींस प्रोटॉन, तो एनएडीपीएच बन गया. इसको कहते हैं एटीपी मेल.
what you will say? ATP will, because NADPH is ultimately converted into the ATP. कितने डेप्थ में पढ़ा दिया आपको? पढ़ा था कभी ऐसे? एटीपी मिल किसी ने नहीं बताया होगा, ठीक है ना? तो एक्चुअल में कहते तो है कि दो चीजें प्रोड्यूस हो रही है, एनएडीपीएच एंड एटीपी, बट एग्जैक्टली अल्टीमेट रिजल्ट इज फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। अगर आप एटीपी को यहां से हटा दो, टोटल टोटल एटीपी हटा दिया, तो क्या केल्विन साइकिल रन करेगी? नो। तो आंसर इज नो, नो केल्विन साइकिल विल रन। व्हाई? क्योंकि एनर्जी CO2 को फिक्स करने के लिए एटीपी चाहिए, ना कि लाइट। एटीपी है ना, CO2 को फिक्स करने के लिए यू नीड एटीपी, एंड देन केल्विन साइकिल विल रन, एंड देन यू कैन प्रोड्यूस द शुगर। ठीक है, एटीपी मिल runs in the first part of photosystem, that is called as the water splitting photosystem 1. ठीक है, ये देखो वाटर है, यहाँ पे वाटर गोइंग टू स्प्लिट इनटू द टू इलेक्ट्रॉन। ये पूछा हुआ था कितने इलेक्ट्रॉन और कितने ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल के H2O के, तो ये रॉन्ग है, जो रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज रॉन्ग। टू H2O इज रिक्वायर्ड टू रिलीज वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, एंड हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? फोर इलेक्ट्रॉन, एंड हाउ मेनी प्रोटॉन? फोर प्रोटॉन। So, two molecule of H2 is required to produce one molecule of oxygen. Your question is here. Section B में उस लड़की का total 99% है, 99.9. So, जो, उसने 35 पे 35 question किए होंगे, ठीक है? सर, किस लड़की की? अरे, ग्रुप में डाला था, देखा नहीं? टॉपर है, दिखाऊं फिर से? व्हाट्सएप देखती नहीं इसका मतलब, व्हाट्सएप नहीं देखा था? किस लड़की? ये रामिका सिंगला। ओ यार, इसका मैंने स्कोर कार्ड भी शेयर किया था आपको, इसका शेयर कार्ड है ये, देखो क्या स्कोर कार्ड है। पार्टी में 98.1, यानी इसने सिर्फ 99, हाँ 99.97, ये पढ़ो ना। और पार्ट सी भी इसका कंप्लीट है, और ये फ्रेशर लड़की है, फ्रेशर है, अभी इसी साल पास हुई है बायोटेक्नोलॉजी से, हरियाणा यूनिवर्सिटी से, और इसके पास कोई टैग नहीं, जनरल कैंडिडेट है। पीडब्ल्यूडी नहीं, कोई है नहीं, कैटेगरी जनरल, जेंडर फीमेल, सारा तरीका है। यस सर। और टॉपर है, ये टॉपर, टोटल कितना आया? 100, 100 के ऊपर क्या होता है? टोटल कितना है? 100, 100, तो 100 के ऊपर क्या होगा? कुछ नहीं, नथिंग। यस, इसका देखो, उसी को चश्मा देख रही हो? ऐसे चश्मा लगाओगी जब फर्स्ट आ जाओगी आप लोग, तो है ना, पढ़ाई करनी है ना। यस सर। अरे वो तो बोली नहीं रही, लक्ष्मी को क्या हुआ? व्हाट हैपेंस लक्ष्मी, यू लॉस्ट? नहीं सर। ओ, तो ये दिस इज नॉट इम्पॉसिबल व्हाट आई एम सोइंग सेइंग। हाँ, यस सर, है ना? थोड़ा फोकस होकर डेप्थ में थोड़ा एनालाइज करके, अब जैसे यहाँ पे देखो लिखा नहीं है, बट मैंने लिख दिया यहाँ पे कि टू वाटर मॉलिक्यूल इज रिक्वायर्ड, देन फोर प्रोटॉन एंड फोर इलेक्ट्रॉन विल बी देयर, दिस इज रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल, एग्जैक्टली दिस इज एब्जॉर्प्शन। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है? इस एपरेटस थायलोकोएड क्या काम कर रहा है? दिस इज अ रिएक्शन सेंटर, दे आर एब्जॉर्बिंग ऑल द लाइट्स, एंड विद द हेल्प ऑफ लाइट देयर इज अ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन है ना, इन द क्लोरोफिल, एंड देन टू मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज गोइंग टू स्प्लिट
और अगर वाटर सिंपल वाटर मानते हो तो यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट है. देखो टू प्रोटॉन विल बी प्रोड्यूस, टू इलेक्ट्रॉन विल प्रोड्यूस, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन विल बी प्रोड्यूस. ठीक है करेक्ट. एंड देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन विल रन इन द सेकेंड स्टेप यू कैन सी. एंड वॉट इज हैपनिंग टू दैट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, NADPH इज एब्जॉर्बिंग ऑल द इलेक्ट्रॉन. NADPH is capturing all the electron to make ATP. ठीक है. And then this primary electron acceptor again called as NADPH releases electron, absorbs CO2. यहाँ पे तो खाली वो दिखा रहा है production of NADPH. Second step में हम दिखाएंगे how the NADPH or ATP is used for it. Fixation of CO2 into sucrose. अब देखो ओवरऑल इनपुट क्या लगा है फर्स्ट स्टेप में. लाइट एनर्जी वाटर. इसमें पूछा था सीएसआईआर में एक बार व्हाट इज रॉन्ग इन द इनपुट ऑफ फर्स्ट स्टेप. रॉन्ग इसमें ऑप्शन थर्ड वाला ऑप्शन ये था लाइट, बी वाटर, सी CO2 एंड थर्ड ऑक्सीजन. देर आर मोर देन टू ऑप्शन दैट इज रॉन्ग इन द फर्स्ट स्टेप. कौन कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. हाँ दिस इज रॉन्ग इनपुट इन द फर्स्ट स्टेप. ऑक्सीजन तो निकलेगा, वाटर निकलेगा नहीं, वाटर ब्रेक होगा. इनपुट पूछा है ना तो ऑक्सीजन इज नॉट एन इनपुट. बोथ द सी एंड डी इज रॉन्ग बिकॉज ऑक्सीजन इज आउटपुट ना, इनपुट थोड़ी ना हुआ. एंड CO2 इज नॉट रिक्वायर्ड हियर इन द फर्स्ट स्टेप. तो ऐसे माइन्यूट माइन्यूट सवाल आते हैं, आप समझ रहे हो वेयर यू विल बी टेबल फैन. ठीक है अब क्या करें, अब क्या करें, करना क्या, टेबल फैन चलाओ, केजरीवाल की फोटो रखो. मफलर वॉइस नहीं आ रही. मेरी वॉइस नहीं आ रही है? वॉइस कहाँ गई मेरी? हेलो वॉइस. अभी कट रही थी. अच्छा आ गई वॉइस. आपकी वॉइस अभी आ गई? यस सर. और कभी कभी वॉइस चली जाती है भाई. ठीक है इतना माइनर लेवल पढ़ना पड़ेगा. फर्स्ट स्टेप में दिस इज रॉन्ग, CO2 इज रॉन्ग. हाँ बोलो बोलो बेटा व्हाट यू वांट टू से. वी हैव स्पेंडेड 52 मिनट्स, एक घंटे हो गए ऑलमोस्ट. यस सर. लेकिन बहुत कुछ सीखा. देखा टीचर ना थोड़ा सा पढ़ाता है तो कितना सीख सकते हो. अब यही पूरे दिन बुक लेके बैठे रहो और फिर भी मैंने मतलब बच्चों को बोला कि आ जाओ इतनी सस्ती फीस है पढ़ो, बट तो व्हाट आई कैन से. सर सीएसआर पार्ट बी में तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं लेकिन पार्ट सी में, पार्ट सी में रिसर्च बेस तभी कर पाओगे बेटा जब पार्ट बी भी तो कर लो. वही पार्ट बी पार्ट बी में डायरेक्ट पूछते हैं ना, जैसे सिलेबस में जैसे पढ़ रहे वैसे क्वेश्चन. लेकिन हमेशा सर मेरे कम मार्क्स पार्ट बी में आए हैं आज तक सीएसआर में. देखो उसमें क्या करते हैं, जैसे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था फर्स्ट स्टेप में क्या रॉन्ग इनपुट है, तो आप ऑक्सीजन मार के चले जाते जबकि इसमें दो इनपुट रॉन्ग थे CO2 और ऑक्सीजन बोथ. तो ये मिस हो गया ना आपके पॉइंट्स क्योंकि आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी. यस सर. एनालिसिस अच्छे से नहीं, कोई अच्छा टीचर नहीं मिला या जो भी मतलब रहा हो आपका, तो इसलिए बी में प्रॉब्लम आ रही है. हाँ सर हमेशा बी में मुझे कम मार्क्स होते हैं. हाँ वो इसी कारण से कि डीप एनालिसिस बेटा, मोर देन वन ऑप्शन वहाँ पे होते हैं या मैचिंग के क्वेश्चन होते हैं या सेंटेंस ट्रू फॉल्स के होते हैं कि विच इज नॉट ट्रू और विच इज नॉट फॉल्स, है ना. यस सर. तो वो आप जज नहीं कर पाते हो क्योंकि आपकी जो नॉलेज है वो नूडल की तरह है. आपको पूरा खाना चाहिए, चावल दाल सब्जी रोटी है ना, चटनी रायता लस्सी दही गुड़
लक्ष्मी लक्ष्मी आजकल फास्टिंग पे है, दैट्स व्हाई शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग. इतना नाश्ता इतना खाना खाओगी तब जाके तुम्हारा सीएसआईआर क्लियर होगा. नूडल खा रहे हैं बच्चे, प्रॉब्लम ये. अब एक बच्चे ने मेरे को मैसेज किया, मैसेज मैं दिखाऊंगा कभी. उसने कहा कि सर मैं 4 साल से, एक बहुत फेमस कोचिंग है दिल्ली की, नाम क्या यार, उसका नोट्स लेके पढ़ रही हूँ, पाथफाइंडर. हाँ, उसका नोट्स लेके पढ़ रही हूँ लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा. हमने कहा बेटे वो सीएससीआर में आपको क्लैरिटी चाहिए. सर, उसने शॉर्टकट लिख दिया, शॉर्टकट लिख दिया उसने. वो भी पुराने नॉलेज है, कोई चीज अपडेट नहीं हुई, किसी ने डिस्कस नहीं किया, सारे वही क्वेश्चन है 10 साल से, है ना. सर मेरे पास भी सेम मटेरियल है, सेम में भी यही इतने सालों से पढ़ रहा. हाँ तो उसका 52% आया है. उसने मुझे मैसेज किया था कि कैन आई जस्ट ज्वाइन योर इंस्टीट्यूट. हमने कहा ज्वाइन करो. तो आज डेमो के लिए उसने कहा था, प्रियंका शर्मा नाम है, वो भी शायद जम्मू से. प्रियंका शर्मा तो वो आ जा ही नहीं, पता नहीं क्या हो गया. 52% आ रहे हैं उसके 3-4 बार से, उससे ज्यादा पढ़ ही नहीं होते हैं. 50, 51%, 49%, इससे ज्यादा नहीं होते. हाँ यही चीज मैं कह रहा हूँ, आप लोग ध्यान रखो इस बात का. एक बार ट्रायल करो, नहीं वर्क करता है देन लीव दैट. ऑल द जो भी फार्मूला आपने पिछले बार बनाया है वो सारे फेंक दो. फिर सर कहाँ से पढ़े? हम पढ़ा रहे हैं ना, अब इस एंगल से पढ़ो. जैसे मैंने ये दिया फर्स्ट सिस्टम, अब इस पे रिसर्च करो. नहीं नहीं देखो, बुक्स तो सॉफ्ट कॉपी हम सारा आपको प्रोवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है. हाँ, आजकल हर दुनिया में आदमी सॉफ्ट कॉपीज पढ़ता है, एक लैपटॉप होना चाहिए बस, है ना. ये किताबें खरीदे चलोगे तो बहुत महंगी किताबें हैं, कितना खरीदोगे ना. सर है मेरे पास आधी बुक, बहुत सारी. ये फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी किससे पढ़ते हो, चलो बताओ. याद ही नहीं है. आप बताओ. लक्ष्मी प्लांट फिजियोलॉजी की बुक का नाम बताओ. विपुल, अदर्स, व्हाट इज द बेस्ट प्लांट फिजियोलॉजी बुक? अब भाई बुक अब नहीं अच्छा बताओगे तो फिर तो शायद पढ़ना पढ़ाना बेकार है. एक स्टैंडर्ड बुक तो माइंड में होनी चाहिए ना, कि दिस इज द रेफरेंस बुक आई कैन कैच अप. कौन सी बुक है? सर प्लांट फिजियोलॉजी तो इसी में पढ़ी मैंने, सीएसआर में. वो तो मैंने पाथफाइंडर नोट से ही पढ़ी है सर. पाथफाइंडर बेटा 100 पन्ने की चीज को 2 पन्ने में खत्म कर दिया है. कैन यू एक्सपेक्ट कि ही इज गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग? कोई भी टीचर नहीं कर सकता. मैं भी लिखूंगा तो मैं भी नहीं कर सकता उतना जस्टिफाइड. एक स्टैंडर्ड बुक होती है. सर फिर से आपकी आवाज चली गई. हमारी आवाज चली गई लक्ष्मी, सच में मेरी आवाज लौट आ, मेरी आवाज हाँ चली जा रही है. सच बात. पेपर तो कुछ बोल ही रहा है. प्लांट फिजियोलॉजी बुक बताओ बेटे, बेस्ट बुक ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी जाके पढ़ो. अब जैसे सीसार 21 में ये क्वांटा वाला पूछा था, ये वाला इक्वेशन एग्जैक्टली पूछा था, ठीक है ना. एक्साइटेड स्टेट वाला, व्हेन व्हाट इज द फोटोन, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट व्हिच इज एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल एंड देन इन द हाईएस्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ क्लोरोफिल व्हिच प्रोसेस इज गोइंग टू हैपन बिकॉज ऑफ व्हिच वाटर इज स्प्रेडिंग इज देयर. तो ये फ्लोरेसेंस होती है, ये फ्लोरेसेंस देख रहे हो, ये यहां पे समझाया हुआ है, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है. कौन सी सर ये आपके पास कॉपी है ना, तो सर आप शेयर करें बुक. तो यही तो बात मैं कह रहा हूँ, अगर आप लोग मांगोगे तो हर चीज मिलेगा. अब ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर देखो. अब मैग्नीशियम पूछा था कि निकाल दें तो क्या होगा. सर ये सेम पाथफाइंडर बुक में है, मतलब पाथफाइंडर की जो बुक है ना सर, उनके नोट्स उन्होंने वो बहुत सारी बुक से निकाल के बनाई है ना. बनाई तो होगी नो डाउट, लेकिन इतना वाइड कवरेज नहीं दे देंगे ना, डिस्कशन नहीं देंगे, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, फिर आप कैसे करोगे, जस्टिफाई नहीं कर पाओगे ना. यस जैसे ये देखो, ये रिएक्शन सेंटर में बात कर रहा था अभी,
एंटीनो कॉम्प्लेक्स की बात, ठीक है ना। ये जो एंटीनो कॉम्प्लेक्स है ये लाइट में कितनी बार कितनी तरीके से घूम के जाता है ये सिर्फ यहाँ आपको मिलेगा, है ना। मिनिमम अमाउंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट भी चाहिए इन्होंने, ये देखो किया है, स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट, एरोटोबैक्टीरिया का क्लोरोप्लास्ट, स्पाइरोगाइरा का, हाँ, तब एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, प्रिज्म की तरह बन रही है। इतना मूवमेंट क्यों हो रही है? बिकॉज प्रिज्म वाला प्रिंसिपल यहाँ पे लग रहा है, दैट्स व्हाई द रिएक्शन सेंटर इज अब्सॉर्बिंग द लाइट स्प्रेडिंग द वाटर, एनर्जी ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब यहाँ पे एक बार ये चीज पूछा था, ये ग्राफ सेक्शन सी में, पार्ट सी में, ठीक है, यील्ड के बारे में, कि वन ऑक्सीजन क्लोरो वन ऑक्सीजन वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए हाउ मेनी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इज रिक्वायर्ड मिनिमम 2500 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। अब ये कहाँ मिलेगा? बात पैंडम ढूंढ डालो, नहीं मिलेगा। नो सर, यही मैं कह रहा हूँ। तो सीएसआर में जो 99% ला रहा है बेटा, इसका मतलब उसने ये सारा चीज कवर किया है। फोटोन की हम बात कर रहे थे, हाउ मेनी फोटॉन्स आर, हाउ मेनी क्वांटा एब्जॉर्ब। तो फोटॉन का डेफिनेशन देख लो, नंबर ऑफ फोटोकेमिकल प्रोडक्ट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वांटा एब्जॉर्ब, तब आप ये बोलोगे यील्ड, फोटोसिंथेटिक यील्ड, मैक्सिमम यील्ड, हाँ ये क्वांटम यील्ड फाई, मैं भी डेप्थ में नहीं पढ़ा रहा हूँ, बट इतनी एफिशिएंसी, अगर मान लो पूछ दिया कि मान लो एक बार में जो लाइट आती है 100% एफिशिएंसी तो होगी नहीं, राइट। व्हाट विल बी द एग्जैक्ट परसेंट एफिशिएंसी ऑफ लाइट ट्रांसफर टू स्प्रेड द वाटर? ऑप्शन चलो मैं दे देता हूँ, ये बुक्स का डिस्कशन होना चाहिए, मैं भी किया करूंगा, 25% 50%, सी बिटवीन 25 to 50%, डी 100%। मैंने क्या पूछा? एफिशिएंसी ऑफ लाइट एनर्जी कन्वर्जन, क्योंकि हम कह रहे हैं ना कि लाइट एनर्जी डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। तो कितना परसेंट लाइट एफिशिएंटली यूज होता है फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ केमिकल्स? 25%। बीच में 25 से 50 यानी 27% एग्जैक्टली, ठीक है। ये देखो एफिशिएंसी ऑफ कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी एट ऑप्टिमल वेवलेंथ टू केमिकल एनर्जी 27%। समझे? इसीलिए इसको जिगर से लगा कर, इसका मतलब बताओ ना एक बार, वो 27% क्या मतलब? मैं बताता हूँ, एक्चुअल में ही इज सेइंग कि सपोज दिस इज अ लीफ, ओके, एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी आप कह रहे हो कि देयर इज ए क्वांटा ऑफ लाइट, एट क्वांटा ऑफ लाइट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 टू कन्वर्ट देम इनटू द 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ये बोल रहे हो ना? बोलो, पहले तो ये समझ लो क्वेश्चन, दिस इज एग्जैक्टली द रिएक्शन और नॉट, ये बताओ, यही है ना रिएक्शन? यस, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि ये जो लाइट इस क्वांटा की चाहिए फॉर कन्वर्जन ऑफ या ब्रेकिंग ऑफ 6 वाटर मॉलिक्यूल, तो कितने परसेंट लाइट एनर्जी इज एफिशिएंटली कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लाइट एनर्जी दैट इज एग्जैक्टली कन्वर्टेड इनटू द केमिकल एनर्जी? हाँ सर, समझ आ गई बात? एग्जैक्टली ये 27%, इसको याद कर लो। दिस इज द लेटेस्ट एडिशन ऑफ क्लियर्स रिगार्डिंग टू द रिसर्च पेपर, लेटेस्ट रिसर्च पेपर उन्होंने कैलकुलेशन करके डेटा दे दिया, दिस इज एग्जैक्ट परसेंटेज दैट इज 27% ऑफ लाइट इज कन्वर्टेड टू द केमिकल एनर्जी
ठीक है, क्लियर हो गया इतना, चले आगे। यस सर। चलो दिस इज अ लाइट ड्रिवन, तो दो तीन पॉइंट नए मिल गए आपको, 2500 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल चाहिए, वेवलेंथ कितना चाहिए 550 चाहिए, ठीक है राइट। अब एक बार सीसीआर में पूछा था कि सपोज आयरन को सप्लाई कर दें तो फोटोसिंथेसिस का रेट घटेगा या बढ़ेगा, आयरन साल्ट डाल दें इन प्लेस ऑफ सीओ टू, सीओ टू नहीं हमारे पास, हमने क्या डाल दिया आयरन साल्ट, तो फोटोसिंथेसिस का रेट क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा। इन प्लेस ऑफ सीओ टू इफ आई एम रिप्लेसिंग इट बाय द आयरन साल्ट, एंड व्हाट विल बी द एग्जैक्ट इफेक्ट ओवर द फोटोसिंथेसिस, क्या चलेगी, पहले तो बताओ क्या चलेगी फोटोसिंथेसिस, यस और नो। चलेगी, यस ठीक है, लेकिन हमने तो पढ़ा था कि केल्विन साइकिल, दिस साइकिल इज कॉल्ड एज वेयर आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इज यूज्ड, दिस इज कॉल्ड एज द हिल रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है एज सिमिलर टू द इक्विवेलेंट टू द सीओ टू इन एब्सेंस ऑफ सीओ टू, ठीक है, तो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी सेम इफ सीओ टू इज एब्सेंट, यू कैन यूज द आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, आप समझ के बात को, अगर आपको सपोज सीओ टू बिल्कुल वातावरण से खत्म हो जाती है स्टिल प्लांट कैन सर्वाइव इफ दीज साल्ट्स आर देयर, ठीक है। अब ये बताओ एनएडीपीएच एटीपी बनता कहाँ है क्लोरोप्लास्ट में, व्हाट इज द प्लेस वेयर एनएडीपी प्लस आर एटीपी इज गोइंग टू सिंथेसाइज, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट ऑर्गेनेल, दैट ऑर्गेनेल इज थायलाकोइड, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं यूनिट ऑफ, यूनिट ऑफ फोटो, ठीक है। अब ये बताओ ये जो सीओ टू कन्वर्जन हो रही है ग्लूकोज में ये कहाँ होता है, व्हाट इज द नेम ऑफ ऑर्गेनेल और व्हाट इज द नेम ऑफ प्लेस, थायलाकोइड में होगा, ग्रेना में होगा, स्ट्रोमा में होगा, कहाँ होगा, ग्लूकोज फॉर्मेशन, हाँ पहला थायलाकोइड, ग्रेना, ग्लूकोज बनेगा कहाँ, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा ऑल कहाँ, स्ट्रोमा, स्ट्रोमा में, ठीक है। अरे क्या हो गया तुमको लक्ष्मी, ये तो मौन व्रत हो गई, कुछ एक्साइटमेंट बताओ ना, मुझे भी एक्साइटमेंट हो, बच्चे कहते हैं वाह सर क्या बढ़िया नॉलेज है, टीचर भी एक्साइटेड होता है वाह फोटोसिंथेसिस हमारा भी जाग उठता है ना, सारा फोटोसिस्टम हमारा भी एक्टिव हो जाता है। ऑक्सीजन कितने स्टेप में प्रोड्यूस होता है, हाउ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन, टेल मी, पांच, यहां से बताओ, चलो ये इस रिएक्शन को देखो, बजट स्कीम वाला, हाउ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू स्प्लिट द वाटर इनटू ऑक्सीजन, वन स्टेप, टू स्टेप, थ्री स्टेप, जीरो, जीरो तो होगा नहीं, वन स्टेप, वन स्टेप में भी टूटेगा नहीं, टू, टू स्टेप मिनिमम चाहिए, एक तो लाइट आएगी रिएक्शन सेंटर पे, ठीक है ना, रिएक्शन सेंटर विल वाइब्रेट, की स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट यहाँ पे था, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट और प्लस लाइट एंड देन वॉटर इज गोइंग टू स्प्लिट, जैसे ही वॉटर स्प्लिट हुआ तो दिस रिएक्शन सेंटर इज कन्वर्टेड टू द वीक रिडक्टेंट, तो वीक रिडक्टेंट होने का फायदा क्या है, फायदा ये कि दे कैन इजीली रिलीज द इलेक्ट्रॉन, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट रहेगा तो इलेक्ट्रॉन कैप्चरिंग कैपेसिटी हाई होगी, है ना,
ये इलेक्ट्रॉन अभी पुल कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन पुलिंग द इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई दे आर स्प्रेडिंग द वाटर इजीली. तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है. पीच SOS इज द रिएक्शन सेंटर विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन, जबकि फोटो सिस्टम ये सेकेंड है, ये ध्यान रखना. फोटो सिस्टम सेकेंड में ये हो रही है लाइट रिएक्शन. लाइट रिएक्शन एग्जैक्टली हैपनिंग इन फोटो सिस्टम सेकेंड, सेकेंड नॉट फर्स्ट. फोटो सिस्टम वन इज द वीक ऑक्सीजन दैट इज एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन एंड देन बिकम पावरफुल रिडक्टेंट एंड दैट्स वाई नाउ दे कैन रिलीज द इलेक्ट्रॉन टू NADP प्लस NADP NADPH. Which light is going to excite the photosystem to? Red or blue? Red light. Nahin, red light. Red light is exciting the photosystem to. While far red light is exciting the photosystem 1. So far red light kab nikalti hai? Dark. Dark reaction. Theek hai. रेड लाइट निकलती है लाइट रिएक्शन. ठीक है, क्लियर? हाँ सर. हाँ यस प्लीज सर. हील रिएक्शन क्या था? Hill reaction. Hill reaction means? Yeah. What is the natural reaction? Natural reaction is splitting of water. First step, with the help of light, right? And photo 2. Then you are releasing the oxygen. Okay? Clear? Right? Of CO2. Why you need CO2? Because CO2 plus NADPH, this is going to form a Kelvin cycle. And then your glucose is fixed. Itna baat clear hai? Ab wo kehte hain ki if you are replacing this CO2 with artificial electron acceptor, iske paas electron hai na, NADPH ke paas. And you are using now artificial electron acceptor. Right? Then what will happen? Is the glucose will be fixed? Glucose will form? The answer is no. Glucose to banega nahi. Lekin oxygen ke release hone ki kshamta nahi rukegi. Theek hai na? And this use of artificial electron acceptor instead of CO2 was called as Hill reaction. Samajh aa gayi? Kya Hill reaction? Theek hai, itna clear bete? Is it clear? What is Hill reaction? ग्लूकोज के लिए CO2 चाहिए, कार्बन तो चाहिए ना. कार्बन तो दिया नहीं आपने, दूसरा कोई सॉल्ट दे दिया, आयरन का सॉल्ट दे दिया, कुछ भी दे दिया. फोटोसिंथेसिस में शुगर नहीं बनेगा, लेकिन आपको ऑक्सीजन, जैसे मैंने शुरू में नहीं क्वेश्चन पूछा था आपसे, सपोज आर्टिफिशियल प्लेट में, दिस इज आर्टिफिशियल प्लेट, पेटी प्लेट एंड यू हैव द लीव्स. ठीक है, लीव्स है, ठीक है. अब आपने CO2 की जगह आयरन साल्ट दे दिया, वाटर दे दिया, पानी दे दिया, ठीक है ना, सनलाइट दे दिया, देन व्हाट विल हैपन? क्या होगा? तो वो CO2 इज नॉट गोइंग टू फिक्स इन टू द ग्लूकोज, ग्लूकोज विल बी absent, but oxygen releasing capacity will be on. Oxygen will be there. Lakshmi, are you there?
ऑक्सीजन बबल तो मेजर कर सकते हो, सर, लेकिन यहाँ पे ग्लूकोज नहीं बनेगा, ऐसी कंडीशन आ सकती है एग्जामिनेशन में। वी आर यूजिंग द आयरन सॉल्ट फॉर फोटोसिंथेसिस, ग्लूकोज यू कैन नॉट डिटेक्ट बट ऑक्सीजन यू कैन डिटेक्ट, ऐसी कंडीशन पूछ सकते हैं कि कहोगे कि नहीं कहोगे कि हो रही है, हो तो रही है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, बट कार्बन इज एब्सेंट, दैट्स व्हाई ग्लूकोज सिंथेसिस यू कैन नॉट सी। अच्छा बताओ, जो ग्लूकोज पार्टे का भी मैं सोच रहा हूँ लेने को, फ्राइडे को, हर फ्राइडे को मैथ का क्वेश्चन कराया करूंगा, थोड़ा प्रैक्टिस में आ जाओगे। हाँ जी, क्या क्वेश्चन था? जो फोटोसिंथेसिस के एंजाइम्स होते हैं, हाँ, कहाँ पाए जाते हैं? हाँ, एंजाइम वो कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? ठीक है, वो स्टोमा के इनर मेम्ब्रेन पे होते हैं कि आउटर मेम्ब्रेन पे होते हैं? चलिए ये बताओ। तो मैं बता देता हूँ, इनर मेम्ब्रेन पे होते हैं, स्ट्रोमा के इनर मेम्ब्रेन पे, लिख लोगे स्ट्रोमा इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, इतना क्लियर है? तो कल हम कुछ और इस पर पढ़ेंगे, ठीक है।